వెల్కమ్ టు బి టు న్యూస్ కు స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు వార్తలులోని ముఖ్యాంశాలు. इनके अवसर पर मुबारकबाद पेश करते हुए बहुत खुशी की बात है. आज अपन नया ईदगाह में तीसरी बार, लास्ट टाइम भी अपन बकरीद पे नमाज पढ़ाई, ईद की नमाज भी रमजान भी पढ़ा, भी तीसरी बार अपने बकरीद के अवसर पर भी अपना नमाज पढ़ रहे अपन. इंशाल्लाह आने वाले एक महीने और एक दो महीने के अंदर ही ऑफिशियल आपको ऑर्डर का भी मिलने वाला है. आप सब लोग मुबारकबाद. रही बात एक बार पुलिस के जो चक्कर में था 2022-23 तक उनका था, तो होने के बाद ही ऑफिशियल ऑर्डर मिलते बोले तो अपन थोड़ा सबर करें. वो भी पुलिस का जो पीरियड था वो हो गया. बहुत से जल्द अपन ये ऑर्डर कॉपी लेने के बाद मेंबर भी बनाना, अपन मेंबर भी बना लेंगे और जो भी है सहूलत है छोटे मोटे पूरा सहूलत कर लेंगे. इंशाल्लाह आने वाले रमजान में पूरी तरीके से ऑफिशियली अपन रमजान के ईद अपन यहीं पर पढ़ेंगे बोल के सब लोग और एक बार कहते हुए और एक बार सब दुआ करो अपने सरकार के लिए, अपने केसीआर साहब के लिए. इतना अच्छा तरक्की हो रहा है अपने तेलंगाना स्टेट में, आज पूरे देश अपने तरफ देख रहे हैं. आप सब लोगों की दुआ रहना चाहिए, आप सब लोगों की आशीर्वाद रहना चाहिए आने वाले दिनों के लिए. कहते हुए आप सब लोग और एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुख कर देता हूँ. మరికొన్ని అప్డేట్ కోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.